मधेपुरा जिले के उदाकिशनगंज अनुमंडल अंतर्गत आलमनगर थाना क्षेत्र के रतवारा ओपी स्थित अंतर जिला गिरोह के 6 अपराधियों को पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। रतवारा ओपी स्थित सुधीर शर्मा के घर पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां अंतर जिला खगड़िया, नवगछिया और मधेपुरा के 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 मास्केट, 1 राइफल, 1 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस जब्त किया। पुलिस के मुताबिक रतवारा के रहने वाले सुधीर शर्मा को गांव में किसी व्यक्ति के साथ भूमि विवाद चल रहा था, जिसमें सुधीर शर्मा अपने घर पर अंतर जिला गिरोह के अपराधी को इकट्ठा किया था और इनका सहयोग लिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो छापेमारी की गई और इस दौरान 6 अपराधी को धर दबोचा गया। उदाकिशनगंज SDPO सतीश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी अंतर जिला गिरोह के सक्रिय कुख्यात अपराधी हैं। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गिरफ्तार अपराधियों में 2 खगड़िया, दूसरा नवगछिया तथा 2 मधेपुरा जिले का रहने वाला है। इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। ओपी अध्यक्ष रतवारा को किसी के माध्यम से गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी सुधीर शर्मा है रतवारा के, उनके यहाँ हथियार के साथ आए हुए हैं। इस सूचना पर रतवारा थाना प्रभारी एवं कुछ अन्य लोगों की एक टीम बनाई गई। सभी लोगों ने जाके वहाँ पर छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहाँ पर करीब 3 मास्केट, 1 एयरगन और 5 जिंदा गोली बरामद किया गया। 1 कट्टा भी था। इन सभी चीज़ों की बरामदगी के उपरांत FIR दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिनके हथियार अपराधी पकड़ाए गए, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह भी पुराना है? देखिए, सुधीर शर्मा के विरुद्ध में और उनके बेटे के विरुद्ध में पहले भी कांड दर्ज किया गया है और इन लोगों को बुलाने का या सुधीर शर्मा के यहाँ इतना हथियार बरामद होने का जो मूल कारण अभी तक पता चला है वो यही है कि सुधीर शर्मा का गाँव में ही कुछ लोगों से जमीन विवाद है। उनका एक जमीन है जिस पर कब्जा किसी और का है। इसी क्रम में उनके द्वारा मट्टी भराई का काम करने के लिए कुछ लोगों की मदद ली जा रही थी। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बुलाया गया था और हथियार के बल पर वहाँ पे कुछ मिट्टी भराई का काम किया जाता है। इसकी सूचना पहले ही थानाध्यक्ष को मिल गई और थानाध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और हथियार भी बड़े संख्या में, बड़ी मात्रा में बरामद किया।